इलेक्ट्रिक प्रेशर जस्ट आउटसाइड कंडक्टर बताता है। अब ये मान लो Q1 चार्ज था, Q2 था, ऐसे काफी सारे चार्जेस होंगे, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन चार्जेस की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फोर्स भी लगेगी, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मान लो सिग्मा वन आ गया, यहां कितना है सिग्मा आ गया, ऐसे अलग अलग चार्ज डेंसिटी आएंगी, किस हिसाब से आएंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो, जीरो, यहां पे कैविटी होगी तो भी जीरो होगी, कैविटी के अंदर भी और जहां मेटीरियल वहां भी जीरो, क्योंकि हम जानते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, अगर कैविटी है कैविटी में रखा हो चार्ज तब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, अंदर तो फिर भी जीरो होगी, कैविटी के अंदर हो सकती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बाहर चार्ज है तो कैविटी हो या ना हो, कैविटी होगी तो भी कैसा एक्ट करेगा कि जैसे पूरा कंडक्टर है मेटीरियल वैसे एक्ट करता है। अब प्रेशर बताना है यहां पे, जैसे ये जो आउटसाइड प्रेशर होगा वो बताना है, तो फोर्स कैसे लग रही हो, अब प्रेशर कैसे होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर जस्ट आउटसाइड कंडक्टर क्या होगा, प्रेशर अब पे फोर्स कैसे लगती है, डी क्यू, मान लो इस छोटे से एलिमेंट पे डी क्यू चार्ज है, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर है वो हम निकाल चुके हैं, डी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन दिस इज प्रेशर अपॉन एरिया, ये डी क्यू कितने एरिया में है, ये डी एरिया है और डी क्यू चार्ज है इस पर, ठीक, तो इसको कैसे डी क्यू को कैसे लिख सकते हैं, चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए इज डी क्यू, दिस इज डी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड से मतलब नॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉट ऑफ इलेक्ट्रिक, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेप्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू, क्योंकि अपनी फील्ड की वजह से खुद को फोर्स नहीं लगती, बाहर जो फोर्स है उसकी वजह से यहां पर फोर्स लगेगी, बाहर जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्सटर्नल कौन सी, इससे एक्सटर्नल, तो इस जो ये डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड से खुद पे फोर्स नहीं लगती, तो ई एक्सटर्नल, तो ये ई एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल किसके, इस डी क्यू की फील्ड से एक्सटर्नल, तो दिस इंटू ई एक्सटर्नल अपॉन डी ए दैट इज प्रेशर, तो ई एक्सटर्नल अपॉन ये जो अपॉन डी ए, तो डी ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सिग्मा इंटू ई एक्सटर्नल, तो ई एक्सटर्नल हमें निकालना है, सिग्मा तो हमें पता होगा क्योंकि चार्ज दे देंगे तो पता चल जाएगा, ये सिग्मा यहां पर पता होगा तभी हम निकाल सकते हैं प्रेशर, तो ई एक्सटर्नल कैसे निकालें, ई एक्सटर्नल निकालने के लिए हमने पहले सोचते हैं कि अगर मैं यहां पर ये ले लूं एक गॉसियन ऐसे एक इनसाइड अगर मैं देखूं जस्ट इनसाइड कंडक्टर देखूं तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज क्या है जीरो, दैट इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अच्छा पहले एक मिनट इनसाइड का भी निकालेंगे, पहले आउटसाइड अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी है या एक्सटर्नल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर वो हम निकाल चुके हैं कितनी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये किस वजह से है डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी और जो बची हुई एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इन दोनों का मिलके ही तो है ये जस्ट आउटसाइड, ये तो सबकी वजह से थी ना, ये जो हमने जस्ट आउटसाइड कंटेनर निकाली थी पिछले वीडियो में वो तो सबकी वजह से थी, डी क्यू भी इंक्लूड था और बाकी सारा भी, तो दिस इज ये चीज है। अच्छा अगर हम जस्ट इनसाइड कंटेनर यहां देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो, जस्ट इनसाइड कंटेनर क्या है, वैसे तो कहीं पर भी इनसाइड कंटेनर करें तो जीरो है, तो ये जीरो कैसे होगी, यहां पर किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू है प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल, मतलब डी क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस डी क्यू से अलग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस सबका मिला के ही तो यहां जीरो है, ई नेट जीरो है ना या इनसाइड, तो ये जीरो, तो यहां से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट
ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई एक्सटर्नल। अगर हम यहां पर मॉड कर लें तो ई ऑफ डी क्यू, तो मॉड दोनों का क्या है, इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, ई एक्सटर्नल के बराबर ही आ गया। तो फ्रॉम दिस यहां पर हम लिख सकते हैं ई एक्सटर्नल को ई डी क्यू, तो ट्वाइस ऑफ ई ड्यू टू डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू कितना आ गया, सॉरी ई एक्सटर्नल चाहिए ना मेरे को, तो ई एक्सटर्नल को लिख लेते हैं, ई एक्सटर्नल ट्वाइस ऑफ ई एक्सटर्नल इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई एक्सटर्नल कितना आ गया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पुट कर दो, सिग्मा इंटू ई एक्सटर्नल इज सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया, प्रेशर आ गया, यही निकालना था हमें, जस्ट आउटसाइड प्रेशर क्या होगा, एफ एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया तो होता है, परपेंडिकुलर ही होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि क्या है परपेंडिकुलर है, तो फोर्स भी क्या है परपेंडिकुलर लगी, और ये एफ परपेंडिकुलर ही चाहिए होता है, तो एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया दिस इज प्रेशर। तो ये फोर्स कितनी होगी डी एफ, ये एफ कितना है सिग्मा इंटू डी ए, ये चार्ज डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज फोर्स, ई एक्सटर्नल हमने ऐसे निकाल ली। तो ये आ गया हमारा प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, दिस इज प्रेशर। अच्छा अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन लर्न भी रखेंगे इसको। अब मान लो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, अब पूछ लिया कि भाई इसको चार्ज क्यू दे दिया, चार्ज क्यू इज गिवन टू इट, इसका रेडियस आर दे रखा है, तो पूछा कि भाई इस वाले हाफ पे फोर्स बताओ कितनी लगेगी, क्यू तो ऐसे आ जाएगा सारे पे, फाइंड फोर्स ऑन राइट हाफ ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर पूछा है, तो कैसे करें। अब अगर हम ये वाला मेटेरियल देखें तो इस पे फोर्स कैसे लगेगी, अभी अभी हमने निकाला है कि प्रेशर तो ऐसे होता है, और ये इसका एरिया मान लो डी ए है, दिस इज डी ए, तो डी ए फोर्स कितनी लगेगी, पी डी ए, पीडीए लगेगी। अच्छा अब सब पे अलग अलग है, यहां पर ये ऐसे है, ये क्या होगा डीएफपीडीए, तो हमने क्या किया कि इनफाइनाइटेसिमल एक रिंग कंसीडर कर लिया, क्योंकि सब में नहीं तो फिर एंगल अलग अलग आ जाएगा ना, प्रेशर डीए तो सब ये अलग अलग आ जाएगा, यहां पर भी ऐसे प्रेशर डीए, यहां पर भी प्रेशर डीए, पीडीए फोर्स लगेगी, तो हमने इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट कंसिडर किया रिंग, तो ये रिंग लिया हमने, तो ये रिंग मान लो अगर थीटा एंगल बना रहा है यहां पर हॉरिजॉन्टल से, तो इसकी विड्थ कितनी जाएगी, हो गई आरडी थीटा, दिस विड्थ इज आरडी थीटा, और ये कितना है आर, और ये कितना है डी थीटा, तभी तो ये आरडी थीटा है। अच्छा तो ये रिंग पे अब जो पीडीए लगा ये पूरी रिंग पे लगा है, तो अब निकालना क्या है कि फोर्स ऑन दिस, तो फोर्स कितना हो जाएगा, अगर डीएफ फोर्स लिखें तो पीडीए, पीडीए कितना हो गया प्रेशर, जस्ट आउटसाइड पर देना प्रेशर है वो तो बाद में लिख लेंगे, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट है, प्रेशर कितना आया था सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट आया था, तो ये सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा इज चार्ज क्यू दे रखा है, तो क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, तो ये सिग्मा स्क्वायर को क्या लिख देंगे, ये वाली चीज। अच्छा इनटू डीए, डीए कितना है, डीए इसका इस रिंग, ये जो इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट है इसका एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, टू पाई आर, टू पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, लेंथ कितनी है टू पाई आर साइन थीटा, इसका रेडियस हो गया टू पाई आर इसकी लेंथ, और इंटू ब्रेथ आर डी थीटा, तो ये क्या आ गया डीए आ गया, तो पी डी ए ठीक हो गया। अब ये डी एफ इस पूरे पे डी एफ लग रहा है, फिर इस वाले पे भी लगेगा डी एफ, तो डी एफ क्या हुआ, ये थीटा है और डी एफ ऐसे लग रहा है, तो इसका मतलब ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे वर्टिकल, तो ऐड होकर क्या आएगा डी एफ कॉस थीटा, तो एफ कितना हो जाएगा, एफ रिक्वायर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा, ये चाहिए हमें डी एफ कॉस थीटा, ये तो चाहिए, तो डीएफ कॉस थीटा हो गया, डेट इज इक्वल टू
अब डी ये तो कॉन्स्टेंट ही है ना, तो ये सिग्मा स्क्वायर चलो लिख भी लो इसको, क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर पे चार्ज इतना, एक पे चार्ज ये हो गया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ये टू पाई आर साइन थीटा, टू पाई आर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन थीटा और डी थीटा भी लिख दूंगा, और कॉस थीटा भी आ गया यहां पे, और डी थीटा, टू को बाहर मत ले जाओ, टू को यहां लिख दो, क्योंकि टू साइन और थीटा कहां से कहां जाएगा, जीरो से, अब ये जीरो से पाई बाय टू जाएगा, क्योंकि यहां से रिंग बनने लगेंगे, और जीरो से पाई बाय टू में ये पूरा कवर हो जाएगा, जीरो से पाई बाय टू, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया, साइन टू थीटा, तो इंटीग्रेशन हमें किसकी निकालनी है, साइन टू थीटा जीरो से पाई बाय टू की, तो ये कितना आ गया, साइन टू थीटा इज माइनस ऑफ वन बाय टू कॉस टू थीटा, और जीरो से पाई बाय टू, तो माइनस हाफ को मैंने बाहर लिख दिया, कॉस ऑफ टू थीटा को लिखा पाई बाय टू माइनस कॉस ऑफ जीरो, तो कॉस पाई कितना हो गया माइनस वन, और ये माइनस वन तो माइनस टू, तो ये हो गया माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस टू से टू कैंसिल वन आ गया, तो ये कितना आया वन, तो आंसर कितना आ गया